ये करना माँ कैसे सीखा तुमने? ये पांचों उंगलियां कैसे अलग हो सकती हैं किसी की? भूतों का पैर हो सकता है। अरे मम्मी पांचों उंगलियां इसके अलग है, भूत है मम्मी। लग रहा है मेरे मेरे पैर के ऊपर कोई एलियन आ गया है। अरे मम्मी तो हमें घर में कोई पूजा करवानी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं, एक सेकंड बता रही हूँ, 11:30 हो गए हैं और यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है। ये रहा कोको, जिसको अभी अभी मैंने नहलाया है, छितराया हुआ है एकदम। और मम्मी पापा अभी नहाए नहीं है, तो आपको उनको नहाने के बाद मिलवाती हूँ। ना मम्मी नहाई है ना पापा नहलाए, बिकॉज ये सुबह से कुछ काम में उलझे हुए हैं। तो अभी अविनाश भी आ जाएगा, तो आपको अविनाश से मिलवाती हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अविनाश मेरे को थोड़ी देर कुछ काम से निकलना भी है, तो वो भी निकल देंगे। तो ये यहाँ पर मेरी चिट्टी बहुत डरी हुई है कि कोको नहाया है, चेरी भी डरी हुई है कि कोको नहाया है तो मेरे को भी नहलाना है क्या, चेरी नहला दूँ क्या? नहीं नहीं चेरी एकदम ठीक है, उस दिन गटर का बन के आया था, आज तो ठीक है। आज कोको की जगह कैसे मली हुई है इसने, देखो कि मैं चिट्टू बहुत खुश है। क्या बात है, हाँ इसका ना हाँ, तो मम्मी इसके माथे में ही तो ये इसकी वैक्स जम जाती है ना पूरी, हाँ धार धार बन गई। देखे ऐसा लग रहा है जैसे चोट लग गई है, लाल हो गया, हाँ रगड़ भी रहा है ना साथ में। अभी एकदम खुश हो जाएगा, खुशी से भागेगा इधर उधर। अरे कौन आया है, लाठी कहाँ से ला रहे हो? लाठी लेके गया था ना। लठिया गए हो क्या? अरे भाई लाठी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है ना, घर में खतरा है, सुरक्षा के लिए लाठी सीखना जरूरी है, सेल्फ डिफेंस। हमारा कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है आज का। ये मेरे को सारिका ने दिया था ना। नहीं लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और ये क्या डेनिम है? डेनिम है नहीं, लुक डेनिम का, लुक है, लुक है, बहुत स्मार्ट लगा। सारिका ने दिया था ये। प्रोटीन चेक का मैं क्या करूँ? कैसे देखो ओबीडियंट डॉग की तरह बैठती है, ट्रेनिंग से पहले डॉग बैठते है ना, ट्रेनर आता है ऐसे बैठ जाते हैं। सुबह इसने इतना ड्रामा किया है ना, इधर कोको को नहला के उसके लिए टॉवल बिछाया तो आके लेट गई। कोको को नहला के? कोको को साफ करके, साफ करके। अच्छा को नहलाया तो मैंने अब। तो ये लेट गई उस पे और उठी नहीं, फिर लेटी रही, फिर मम्मी ने कैंडी खवा दी तो रोई की मुझे आवाज नहीं दे रही है। आए मेरा बाबू, चलू बाबू तू कैचा है, तू कैचा है, कल आइसक्रीम के लिए भी रोया। आजकल भी रो रो के बताती है ये चीजें, आजकल रो रो के बताती है कि मेरे को ये नहीं मिला है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा बहुत खराब हो गया है। ये क्या अंग प्रदर्शन करवा रही है मेरे से? तो क्या हुआ ये अपना, तुम्हारा पेट तो कम हुआ है काफी है ना? हाँ पेट कम हुआ है। एब्स आ रहे हैं रास्ते में, निकल चुके हैं ना, लग जाएंगे आके, लगवा देंगे हम। कौन है? एब्स मम्मी, पेट, पेट में बिस्किट होता है ना, बिस्किट, वो बिस्किट लगवा रहे हैं हम इधर इधर, मतलब बिस्किट घर से निकल चुके हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। ये कह रहा मम्मी को लगा प्लास्टिक सर्जरी करके बिस्किट लगवाएगा यहाँ। मेरे पैर में ऐसा पट्टा बांधा कि रात भर से दर्द है मेरे पैर में। तुमने मेरे को ये ठीक करने के लगाए थे या और खराब करने के लिए लगाए थे? मेरे कल रात से दर्द नहीं गया है। अरे पैर पकड़े रहना जरूरी है ना, तभी तो ठीक होगा मसल। अरे ये कैसा पकड़ा है जो मेरे ऐसा उठ उठ के दर्द आ रहा है अविनाश? तो आज ब्रेक दे दो, आज मत लगाओ। तो मैं कहाँ लगा रही हूँ, मैं नहीं लगा रही, मेरे ऐसे ऐसे दर्द आ रहा है। और जहाँ दर्द था वहाँ ठीक हो गया? उसी में तो दर्द, नहीं वो तो पता ही चल रहा ना, ये ज्यादा दर्द हो रहा है, वो वाला दर्द उस पर भारी पड़ गया बैंड वाला। अरे मेरे चाहिए बेबी, ये आइसक्रीम कैसे मांगती है रो रो के कि मेरे लिए नहीं रखी किसी ने भी थोड़ी भी। ये अपने आप मेरे पास आके ना गिर गई है कि अब मेरे को चला जा रहा है, अब तू मुझे उठा ले। बेबी ये एंजल है, पता है, एंजल कुछ तो कह रही है तुम्हें। मेरा स्पिरिचुअल डॉग, मेरा स्पिरिचुअल डॉग, इतना प्यारा एनलाइटेंड डॉग। हाँ बेबी मेरा, ये वाला किसी का नहीं, किसी के पास नहीं हो सकता, ये बच्चा किसी के पास नहीं हो सकता। जवाब भी पूरा देती है साथ में, मतलब वो रखती नहीं है साहब, वापस कर देती है। आपकी कुछ आइसक्रीम बची है क्या? नहीं बेबी नहीं। अरे अरे मेरा बच्चा, सुन लिया उसने, सुन लिया। रात को मिलेगा बेटा, रात को मंगाएंगे, रात को खाने के बाद मिलेगा पक्का। और ये पेटू जो कम करना है उसका क्या करना है? पेटू हो जाएगा कम, कोई बात, करा देंगे, पिलाटे करा देंगे, योगा सूर्य नमस्कार करा देंगे, हो जाएगा। क्या बन रहा नाश्ते में? यहाँ पे टोस्ट निकाल रही हूँ मैं, ब्रेड टोस्ट पापा ने खाया, और ये थोड़ी सी चाय रख रही हूँ सबके लिए, सब पियेंगे चाय, भर भर के पियेंगे चाय। क्या चाय? नहीं, अरे ब्रेड नहीं दिख रही, ब्रेड खत्म हो गई क्या? बेबी समंदर का हाल देख के तो लग रहा है प्रलय आएगा आज। हाँ देखो ये कैसा है, तूफान मार रहा है वो, देखो अंदर ऐसा लग रहा है ना कि सूख गया है समंदर का, जमीन दिख रही है? नहीं नहीं जमीन नहीं दिख रही, समुद्र और आगे आया हुआ है। ओ मतलब इस समय हाई टाइड है।
हाई टाइड में मम्मी चलना है समंदर में? चलेंगे। हाई टाइड में मम्मी जाओगी? शाम को चलेंगे। जब ऊंची ऊंची लहरें होती है ना, 10 माले तक पहुंच जाती लहर। नहीं नहीं तब नहीं जाऊंगी। क्यों? तभी तो मजा आएगा। मैं जाऊंगी तब। पैर के नीचे से जब रेत खिसकती है तो मौत का आनंद आता है। अरे मैं गणपति देखी, थोड़ा अंदर गई थी भाई साहब। ये घमासान बारिश शुरू हो गई। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समंदर का हाल दिखाया था, उसके बाद ये देखो आधा आसमान काला, आधा ग्रे, आधा सफेद, और बारिश जो है उड़ रही है हवा में। और इस बारिश को देखते हुए मुझे लग रहा है कि नाश्ते को बदल के पकोड़े में कर देना चाहिए, टोस्ट को। अरे यार, भगवान ने मौसम बदल दिया, हम ब्रेकफास्ट नहीं बदल सकते हैं? अरे भगवान तो ऐसे, ऊपर वाले ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया हमको, इतनी सुंदर बारिश, और हम घर में पकोड़े भी नहीं बना सकते। मम्मी पकोड़े चाह रहा है, क्या करना है? अरे अभी तो दूसरा नाश्ता बन रहा है। सुन लिया ना, जवाब मिल गया यार, बोल रहा है दूसरा नाश्ता। चलो ठीक है, जो एब्स आ रहे थे चले जाएंगे वापस, रहने दो फिर। पकोड़े से और क्या, पकोड़ा खाते हैं, एक एब गायब हो जाएगा इसका। खाने से याद आएगा। चार पकोड़े में चारों एब्स गायब। तो जी यहाँ पे एक्वा गार्ड की सर्विसिंग हो रही है, हमारे एक्वा गार्ड है ना, ये कुछ तो है। मम्मी आप कर लोगी ना, देख लोगी ना? मैं और सम्माना निकल चुके हैं किसी काम के लिए। मम्मी पापा घर पे, पापा काम कर रहे हैं अपना, मम्मी भी कुछ काम कर रही है। हम लोग 1 घंटे में वापस आएंगे तो मम्मी पापा से मिलेंगे, बीच में टाइम मिला तो कॉफी मार लेंगे बाहर। ये क्या बोले हो तुम? मारनी कॉफी? धोखा नहीं हो जाएगा मम्मी पापा के साथ? तो आके उनको लेके चलेंगे, लेकिन तब तक कॉफी शॉप बंद हो जाएंगी। या तो उनको बोल देंगे कि वहीं आ जाओ आप लोग। देखना पड़ेगा, करते हैं कुछ। चलो हम लोग आ गए घर अपना काम खत्म करके, और हमें हो गई है बहुत ज्यादा लेट, ऑलमोस्ट 4:30 बज गए। मेरे बच्चे बहुत आएंगे। अरे अरे अरे, आती बहू रानी चाय बनाने लगी हुई नाच नाच के। हुआ टुचका लगा। टुचका लग गया इतने में? तो तुम कुछ दिन पहिए पे क्यों नहीं चलती हो? पहिए ले लो, स्केटिंग वाले। नहीं बेबी ये सीरियस है, दिस इज सीरियस। अगर मेरे को इतना करने में भी ये हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब समथिंग इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें एकदम टुचका लगा। तुम्हें एक और तरीका बताऊं, तुम घर में ना स्पोर्ट्स शूज पहन के रखो, तुम्हारे नहीं तुम्हारे पैरों को मसल को पकड़ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, समझ रही हो? मैंने किया था मेरा जब ट्विस्ट हुआ था, तुम घर में स्पोर्ट शूज पहन के रखो, अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें वो बैंड से दर्द हो रहा है, इतने गंदे गंदे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, स्पोर्ट शूज पहन लो, ठीक है? ओ, अपनी चाय पहले ही निकाल ली है तुम्हें, ये रोज बताना पड़ेगा क्या? चलो सास बहू और साजिश है? नहीं, सास बहू और धोखा। क्या बोल रहे हैं आपस में भोजपुरी में? कुछ बच्चन कर रहे हैं। किसने सुसु कर दिया? नहीं मम्मी, कहाँ? जो खाया है उसके पास। ये उल्टी करी है। किसने? कैंडी ने। कैंडी ने उल्टी? कैंडी ने वॉमिट हो सकता है। कैंडी ने वॉमिट किया। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि चेरी घूमने जा रही है। चलो जा बेटा, उठ खुद भी अब। अरे चल आ गए, बढ़िया ही। चल चल बात, चलो घूमने जाना है, चटनी करनी। चलो अरे क्या हो गया, किसको डांट पड़ रही? समझ नहीं आता, देखो हर जगह बैठती है ये। चलो अरे थक जाती है ना वो, लिफ्ट में, कूड़े में, कचरे में, डिब्बे में, सब जगह बैठती है। ये देखो फिर बैठ गई आते ही, वो देखो। अरे थक जाती है ना भाई, या तो फिर उसको एनर्जी ड्रिंक दो आप फिर, ये तो गलत बात है ना। अरे ये तो भाई चाहिए, बुरी तरह से खाती थी तब भी यही तो करती थी, तुम भूल गए हो क्या? खैर तुम्हें क्या पता बच्चों के बारे में। इसको थोड़े मल्टीविटामिन वगैरह दो चेरी को। करती हूं, देती हूं, डॉक्टर से पूछती हूं कौन से देने हैं। लेकिन इसका मल्टीविटामिन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो शुरू से ऐसी है, कूड़े के ढेर पे बैठ जाती थी। लिफ्ट में ही नहीं निकले, गेट बंद होने में लगे। इतना डाटा पापा ने पता, कम खाना देने की वजह से ना इसके पैर भी टेढ़े होने लगे हैं। कम, ऐसा कोई कम खाना नहीं दे रही हूँ, तमीज से दे रही हूँ। इतना खाती थी, अब उसका पोर्शन प्रॉपर करा मैंने, ढेपले की तरह खाती थी, सफेद हाथी लगती थी है। अभी थोड़ा शरीर कम हुआ है, शरीर कम हुआ है तो एनर्जी उल्टा बढ़ेगी उसकी। अब मेरा जब शरीर कम होता है तो मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ती है ना। शरीर कम होता है, ये करना मां कैसे सीखा तुमने? ये पांचों उंगलियां कैसे अलग हो सकती है किसी की? भूतों का पैर हो सकता है। अरे मम्मी पांचों उंगलियां इसके अलग है, भूत है मम्मी। आप करना जरा, आप करो मम्मी। नहीं होगी, हो रही। अरे कहाँ हो रही है? लाओ लाओ इधर, मिलाओ इसके पास लाओ। अरे मम्मी ये तो भूतिया कर दिया है। अरे बाप रे बाप, नहीं होगा। ये भगवान, ये कैसा पैर है, छितराया एक बार। पापा आप करना जरा, करो जरा पापा का। करना करना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एक बिन पापा का एक ही खुल रहा है, ये तब से चित्र। अरे बाप रे, अब मेरा देखना, मेरा हो रहा है क्या? इधर लाओ ना, इधर लाओ ना, तेरे तो चिपके हुए हैं। अरे मम्मी लग रहा है मेरे मेरे पैर के ऊपर कोई एलियन आ गया है, ये तो जादू आ गया है कोई। जादू जादू जादू
के साथ साथ हड्डियाँ भी बाहर हो रही है सारी। हाँ, वो अलग चीज सारा हड्डियाँ भी बाहर, वो किसी की नहीं, हमारे किसी की नहीं निकल रही। देखो अच्छा अलग सारी हड्डी पांचों को बाहर हो रहा है। मम्मी मम्मी मेरा नहीं निकल रही है। अरे मम्मी तो हमें घर में कोई पूजा करवानी पड़ेगी। घास छीलने वाला खुरपा होता है गांव में। अरे ये गज लक्ष्मी के पैर है। ठीक है, मतलब हाथी और लक्ष्मी मतलब धन। ये पैर जहाँ पड़ेगा वहाँ धन आएगा, मतलब हाथी के वजन जितना धन आएगा। हाँ। अरे वाह, ठीक है भाई, इन पैरों को तो फिर सलाम। चलो गुड गुड गुड, कंटिन्यू। और हाथी जैसा पैर बनाया जाए और खाया जाए। गाली आएगी क्यों? औरत के पैर को हाथ लगाता है गांव वाले। हाँ, कहेंगे देखिए पुत्र क्या कर रहा है। क्या कहते हैं, बीवी का पैर छू रहा है। अनहोनी अपशब्दताप। ये कौन सा शब्द था? अपशब्दताप। सच में पैर तो ऐसा कोई नहीं। सारी हड्डी जितनी है ना, अब आपके लिए तो ये माल मसाला मिल गया ना मम्मी आपको। ये देखो वो उंगली के साथ वो पूरा लग रहा हड्डी है। माल मसाला मिल गया ना, आप तो मेरे पैर देखना चाहती थी ना। लो, जब शुरू मिली थी मैं होटल में। हाँ, आप लोगों को बता दूं, मेरी मम्मी की बचपन से आदत है, मेरी मम्मी किसी भी इंसान को मिलते पहले उसका पैर देखती हैं और फिर खूब हंसती हैं। अपना अपना सब लोग पैर बचा के रखना मेरी नजर से। आपने नोएडा में मेरे को जहाँ मिली थी पहली बार। हाँ, तो मैं बड़ी परेशान थी। पैर देखो कैसे, इतनी इतनी जूती थी। जूते छोटे, मेरे जूते छोटे थे, वो यहाँ वाले जूते थे, मतलब पूरा कवर था इतना। बूट्स थे, बूट्स पहने हुए, वो देख नहीं पाए थे, ठंडी थी ना। पाई उससे पहले थोड़ा सा चर्चा पैरों का कुछ हुआ था, तो फिर अविनाश बोला मम्मी परेशान है, पैर देखना चाह रही है लग रहा है। और शायद मैंने उतार के भी बताया था। आपने उतार के दिखा दिया मुझे कि मम्मी देख लो, आप परेशान मत होना, मेरा ऐसा ही पैर। तब इतने चौड़े नहीं थे। एक सेकंड मम्मी, तो आप पैर देख के क्या अंदाजा लगाती हो कि आदमी अच्छा है? देखो अभी ना किसी का पैर एक बार देख ली और उसको ढक के पूरा बैठा दो, खाली पाँव निकाल दो कपड़े के अंदर, पहचान लोगी पैर देख के बता दूं किसका पैर। अरे तो आप, अरे तो ये कौन सा टैलेंट है? अरे क्राइम ब्रांच में जाओ ना, पैर देख, क्रिमिनल्स के पैर देख देख के पहचानो ये खूनी है। लेकिन जिसका नाम जानती हूँ उसको बता पाऊंगी, नहीं तो नाम ही कहीं भूल गए, पैर पहचान के क्या करूँगी। नाम बताना ही। अरे कल परसों कोई सब्सक्राइबर का भी पैर देख ली थी, आया था मिलने, तो हाँ कही थी इसका पैर देख रही थी, फिर बोली अच्छा पैर था इसका। मम्मी कौन? कोई तो सब्सक्राइबर का पैर देख रही थी आप घूम के। उसने कहा नमस्ते आंटी, आपको हमने पहचान लिया, तो आप ऐसे घूम लोखंड वाले चेरी कहाँ रहेगी? अरे पापा कैसे लेके आ रहे चेरी को? अरे हिल नहीं है बिल्कुल वहाँ से। चेरो यही लिटा दो पापा, इसी में फेंक दूं? फेंक दूं, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, फेंक दोगे तो कमर बचा के। डेड बॉडी लग रही है ऐसे ही, वो ऐसे ही लेट जाएगी। भगवान यार क्यों नहीं रही थी ऐसे ही बस लेटी आलस में। अरे ये बहुत आलसी हो गई है यार, पूरी तुम पे जा रही धीरे धीरे। तो जी हमारा टाइम हो गया सोने का, कुत्ते बिल्ली यहाँ पे सो चुके हैं और मैं भी सोने जा रही हूँ। आई थिंक अविनाश अब कुछ पड़ेगा, ऐसा मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ पढ़ोगे। थोड़ा सा पढ़ूंगा लेकिन नींद भी आ रही है मुझे, तुम देखता क्या हूं। लेकिन तुम थोड़ा तो तुम्हें तंग करूंगा ना लाइट वेट जला के। सो जाओ, तुम सो जाओ ठीक है, तुम सबको सुलाने में क्यों लगी रहती हो? हैं छोटी छोटी भी सोना चाहती है। चलो मैं चली सोने के लिए, आपको मिलते हैं कल एक जगमगाते हुए व्लॉग के साथ, एक एनलाइटेंड व्लॉग के साथ। हम भी एनलाइटेंड, मतलब गले में मिर्ची लाइट लगा के घूमेंगे, मतलब उजाले में जगमगाना उसको कहते हैं। सो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बटन दबाई टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मैं भूल गई थी कि बोलना क्या है। आज तुम बाहर ही सो जाओ ना खिड़की के।